सो हाय गाइस, मैं हूं अनुप्रिया। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ब्लू हेवन की ये इनोसेंस मैट लिपस्टिक्स का रिव्यू। ये जो है दो के पैक में इस तरीके से मिलती है। अभी मैं इसके स्वेचेस भी आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी। इसमें मुझे दो का कॉम्बो मिला था, एक शेड नंबर 12 मिला है और एक शेड नंबर 60 है या 09 है, मतलब 09 है। इसमें शेड नंबर 09 और 12 मिला है। ये कुछ पैकेजिंग अगर देखी जाए तो काफी ज्यादा अच्छी पैकेजिंग है। बाकी जैसे अभी तो वोकल फॉर लोकल का बोलबाला है, तो हम लोगों को अपने इंडियन प्रोडक्ट्स को ज्यादा प्रमोट करना चाहिए। तो ब्लू हेवन से ज्यादा अच्छा और क्या हो सकता है? एक्चुअली ब्लू हेवन एक ऐसा ब्रांड है, या मैं बोलूँ कि एडीएस और ब्लू हेवन एक ऐसे ब्रांड है जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। क्योंकि मैं एक स्मॉल सिटी से हूँ, तो उस टाइम पे हमें ब्रांडेड चीजों के मेकअप प्रोडक्ट स्पेशली सिर्फ लैक्मे या शहनाज हुसैन स्किन केयर में पता था कि हाँ ये हाई एंड प्रोडक्ट्स जो है वो मार्केट में है। लेकिन हम ज्यादातर जितना देखा है, मम्मी औरों को भी देखा है, या हम शॉप्स पर भी जाते थे, तो हम अफोर्डेबल चीजें, क्योंकि बिगनर थे, पॉकेट मनी बहुत ज्यादा कम थी और मेकअप का शौक था, तो मैं मेकअप खरीदती भी थी, तो मैं अफोर्डेबल देखती थी। तो मेरा सबसे पहला पैलेट था एडीएस का 25 रुपीज वाला, जो छोटा सा कॉम्पैक्ट सा पैलेट आता है, अब शायद 50-60 रुपए में वो मिल जाएगा। तो वो वाला पैलेट मेरा सबसे पहला पैलेट था जब मैं आई थिंक अर्ली 20s में थी, तब मैंने परचेज किया था। और ब्लू हेवन की लिपस्टिक्स मैं बहुत ज्यादा परचेज करती थी। ब्लू हेवन का जो 5 रुपए वाला काजल आता था वो भी बहुत ज्यादा लगाती थी। तो ब्लू हेवन हम बचपन से देखते आ रहे हैं, काफी अटैचमेंट्स और काफी सारी स्टोरीज भी है उनके साथ, तो इसीलिए मैंने ये लिपस्टिक्स मंगाई। और इससे पहले मैं एचआर यानी हिलारी राडो का लिपस्टिक भी इस्तेमाल करती हूँ, मैं अभी भी करती हूँ। लोकल मार्केट से मिलता है हिलारी राडो का, आई गेस किसी इंस्टाग्राम स्टोर से आपको मिल जाएगा, लेकिन आपको अभी तक जो है अमेजोन वगैरह पे अवेलेबल नहीं है। तो पता नहीं बात करते करते मैं कहाँ चली जाती हूँ। तो अभी फिलहाल इनका वीडियो देख लेते हैं। पैकेजिंग वाइज काफी ज्यादा अच्छी है, ब्लू कलर की पैकेजिंग है और यहाँ पर आपको जो है एक्सपायरी डेट मिल जाती है। और आपको बुलेट लिपस्टिक है बेसिकली, तो आपको घुमा के रोटेट करके आपको इसको इस्तेमाल करना है। कुछ इस तरीके का शेड है, ये मजेंटा सा शेड है। मुझे एक्चुअली ऐसे कलर ज्यादा पसंद है, पिंकिश कलर जिसे आप बोल सकते हैं, जो ज्यादा बोल्ड ना हो, ज्यादा ऐसे मतलब बहुत ज्यादा बोल्ड नहीं चाहिए, मुझे थोड़ा सा न्यूट्रल कलर चाहिए होता है। ये थोड़ा पर्पलिश शेड है, ये दोनों के दोनों इंडियन स्किन टोन के लिए एकदम परफेक्ट है। अगर आपका कॉम्प्लेक्शन जो है वो हल्का वीटिश है या फिर थोड़ा सांवलेपन में है, तो आप ये वाला जो शेड है 09, तो आप इसका इस्तेमाल कीजिए, आपके ऊपर बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। और जो वाइट बिल्कुल वीटी स्किन टोन है या फेयर स्किन टोन वाले हैं, उन पे तो ये परफेक्टली जाने ही वाला है। बाकी जो है इसके ऊपर यहाँ पर कहीं पर लिखा नहीं हुआ है कि कहाँ से मेड इन कहाँ पर है, तो वैसे मेड इन इंडिया ही है ये, मुझे मालूम है। ब्लू हेवन का जो ब्रांड है वो मेड इन इंडिया है, लेकिन यहाँ पर मैट लिपस्टिक लिखा हुआ है। ये टोटली मैट नहीं है, क्रीमी है, क्रीमी टेक्सचर के साथ आता है और इसके साथ ही साथ ये लिप्स को मॉइस्चराइज भी करता है, हल्का ग्लोसी इफेक्ट भी देता है, जो कि आगे अभी स्वेचेस में मैं आपको दिखाऊंगी। 144 इसका प्राइस है दो के कॉम्बो का। लोकल मार्केट से लेंगे तो शायद 150 रुपए में आपको एक लिपस्टिक मिलेगी, लेकिन अमेजोन है, थोड़ा सा वो प्रॉफिट कमाते हैं, तो 144 रुपीज जो है दो का कॉम्बो का है और इसके साथ आपको 68 रुपीज शिपिंग चार्जेस पे करने पड़ रहे हैं। तो ये दो अगर आप अमेजोन से मंगाना चाहते हैं तो अमेजोन से मंगवा लो, नहीं तो आप लोकल मार्केट से लो, वो ज्यादा सही है। अभी हम इसके स्वेचेस देख लेते हैं। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर हेल्पफुल रहा है तो इसे लाइक जरूर देना और इसे अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ फेसबुक इंस्टाग्राम जहां आपकी इच्छा है वहां शेयर करना। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जो कि आप कर ही लोगे, क्योंकि अगर चैनल अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करना तो बनता है। यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ अच्छे अच्छे मेकअप लुक्स क्रिएट करती हूँ, प्रोडक्ट रिव्यूज भी अभी स्टार्ट कर दिए हैं। तो बस मिलती हूँ फिर आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।